हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ज़्यादातर जानकारी आपके घर वाले देते ही होंगे कि आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है, प्रेगनेंसी में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे सोना है, कैसे अपने होने वाले बेबी का ख्याल रखना है। लेकिन आपको कोई भी ये नहीं बताता कि आपको डिलीवरी रूम में ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है। ऐसे में अगर आपकी डिलीवरी की डेट नज़दीक आ गई है तो आपको ये जानना कि डिलीवरी रूम में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, किन बातों का खास ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको डिलीवरी रूम में किन बातों का खास ख्याल रखना है और कौन सी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ताकि आपको या फिर आपके होने वाले बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। देखिए, जब आपको डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है तो उससे पहले डॉक्टर आपके प्राइवेट पार्ट में उंगली डाल करके चेक करते हैं कि आपकी सर्विक्स का मुंह कितना खुला है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए या फिर आपको लेबर रूम में ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपके सर्विक्स का मुंह कम से कम 10 सेंटीमीटर तक खुल जाना चाहिए, तभी आपको लेबर रूम में ले जाएंगे। ऐसे में महिलाओं को बहुत शर्म आती है कि डॉक्टर उनके प्राइवेट पार्ट में उंगली डालकर चेक कर रहा है, तो आपको शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पहली बार जिनकी डिलीवरी होती है उनको थोड़ी सी शर्म आती है, लेकिन आपको इसको ये सोचकर इग्नोर कर देना है कि ये तो सभी महिलाओं के साथ होता है। दूसरा, जब आपको डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है या फिर लेबर रूम में ले जाया जाता है, उसके बाद जब तक आपको डॉक्टर ना बोले तब तक आपको पुश बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर आपके सर्विक्स को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कब आपको पुश करने की ज़रूरत है। इसके बाद भी जब तक आपको दर्द नहीं आते हैं तब तक भी आपको पुश बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लगातार पुश करती रहेंगी तो आप बहुत ही जल्दी थक जाएंगी। और जब पुश करने का टाइम आएगा, मतलब कि जब आपको पुश करने की ज़रूरत होगी, तब आप पुश नहीं कर पाएंगी, जिससे आपको डिलीवरी के दौरान तकलीफ़ उठानी पड़ सकती है। तीसरा, जब तक आपको दर्द हो रहे हैं तभी तक आपको पुश करना है। कई बार जब महिलाओं को दर्द होना शुरू हो जाते हैं और वो लेबर रूम में होती हैं, डॉक्टर उनको बोलते हैं कि अब आप पुश कीजिए, तब वह पुश करना शुरू कर देती हैं। चाहे उनको दर्द हो रहा हो या फिर नहीं हो रहा हो, वो पुश करती ही रहती है। ऐसे में जैसे ही आपको दर्द शुरू हो आपको पुश करना है, जैसे ही आपके दर्द ख़त्म हो जाए आपको पुश करना रोक देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लगातार पुश करते रहें, ऐसा करने से आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि बेबी तभी बाहर आएगा जब आपको दर्द हो रहे होंगे और उसी दौरान आप पुश कर रहे होंगे। चौथा, एक बार पुश करना शुरू करने के बाद जब तक आपको दर्द बंद ना हो बीच में रुकना नहीं है। अगर आपको दर्द हो रहे हैं और आपने पुश करना शुरू कर दिया है तो बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, आपको लगातार पुश करते रहना है जब तक कि आपके दर्द खत्म ना हो जाए। इस दौरान आपको जब भी सांस लेनी है तो सांस आपको नीचे की तरफ लेनी है और नीचे की तरफ ही छोड़नी है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको डिलीवरी रूम में कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। तो दो गलतियां हैं जो आपको डिलीवरी रूम में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, जब भी आप सांस ले रही हैं तो सांस को आपको हमेशा नीचे की तरफ ही लेना है, ना कि ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर आप ऊपर की तरफ सांस लेंगे तो आपका बेबी ऊपर की तरफ चला जाएगा और आपको दोबारा अपने बेबी को नीचे लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी प्रकार सांस को छोड़ते वक्त भी सांस आपको नीचे की तरफ ही छोड़नी है, ना कि ऊपर की तरफ। दूसरी गलती, एक बार जब आप पुश करना शुरू कर देती हैं उसके बाद जब तक आपको दर्द हो रहे हैं तब तक आपको पुश करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में पुश करना रोक दें। अगर आप ऐसा करेंगी तो बेबी का सर आपके प्राइवेट पार्ट में फंस सकता है, जिससे उसका सर लंबा भी हो सकता है और उसके सर की मांसपेशियां भी दब सकती हैं, जिससे कि आगे चलकर उसकी डेवलपमेंट पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है और उसके दिमाग के विकास पर भी असर पड़ सकता है। तो डिलीवरी रूम में जाते ही आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है और जो गलतियां मैंने बताई हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे।
अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।